खबर है जहां पर बीजेपी का कांग्रेस पर कार्टून वार जारी है। एसटी एससी ओबीसी आरक्षण पर जारी है कार्टून वार। एसटी एससी ओबीसी का हक मुस्लिम को देते दिखाया गया है। राहुल गांधी मुस्लिमों को दे रहे आरक्षण का हक, लिखा कुपोषित कांग्रेस करेगी जिहादियों का पोषण। और ये देखिए एक पोस्टर जो कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया एक्स से जारी किया गया है और इसमें राहुल गांधी को भी आप देख पाएंगे। साफ तौर पर लिखा गया है कि कार्टून वार के माध्यम से एसटी एससी ओबीसी आरक्षण पर ये कार्टून जारी किया गया और एसटी एससी ओबीसी का हक मुस्लिमों को देते दिखाया गया है। राहुल गांधी मुस्लिमों को दे रहे हैं आरक्षण का हक, लिखा कुपोषित कांग्रेस करेगी जिहादियों का पोषण। जो वीडियो कुछ ही सेकंड का जारी किया गया है इसमें निशाना साधा गया कांग्रेस पर। और अब रायपुर से खबर है जहां पोस्टर वार पर बोले डिप्टी सीएम, इंडिया गठबंधन में पोस्टर हावी हो जाता है, उनके मनोबल में कमी होगी, विजय शर्मा ने कहा। और पोस्टर जनता तक बात पहुंचाने के तरीके होते हैं, अधिक गड़बड़ियां इसलिए अधिक तस्वीरें, मोदी का सिर फोड़ने की बात करते हैं विरोधी। और अब ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है इस पर डिप्टी सीएम ने रिएक्शन दिया है। ने बताइए ये इंडी गठबंधन कैसा है जिस पर पोस्टर हावी हो जाता है, मनोबल में कमी होगी उनकी इसलिए कोई पोस्टर हावी होता होगा। भैया ये जनता तक विषय ले जाने के अपने अपने तरीके हैं और जिन तरीकों का उन्होंने पहले अभ्यास किया हुआ है उस पर तो उनको पहले चिंता करनी चाहिए। कहा मोदी जी को कहा कि नीच राजनीति करने वाले, मोदी जी को कहा कि सर फोड़ देंगे इनका, तो ऐसे थोड़ी बात होती है। और खबर रायपुर से जहां कोयला घोटाले में वारंट पर सुनवाई, रानू साहू सौम्य चौरसिया के वारंट पर सुनवाई, जहां ईओडब्ल्यू ने लगाई थी प्रोटेक्शन वारंट की याचिका और आज विशेष अदालत में पेश होंगी दोनों आरोपी। ईओडब्ल्यू की प्रोटेक्शन वारंट पर सुनवाई होगी। एसीबी भी पूछताछ के लिए मांग सकती है रिमांड। जेल में बंद है निलंबित आईएएस रानू साहू, निलंबित पूर्व उप सचिव सौम्य चौरसिया। और खबर रायपुर से जहां पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का बनेगा रिकॉर्ड। जी हां, ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी जुटाएगी सरकार। स्कूल छोड़ने वाले हर बच्चे की अब जानकारी जुटाई जाएगी। स्कूल शिक्षा सचिव ने कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। स्कूल छोड़ने वालों की अब जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल छोड़ने की वजह का भी पता चल सकेगा कि आखिरकार इन बच्चों ने स्कूल क्यों छोड़ा है, क्या कुछ कारण थे, या और आर्थिक परेशानियां थी, या किसी और निजी कारण से स्कूल छोड़ना पड़ा। ये तमाम जो संदेह बना हुआ है अब जांच भी होगी, उनसे पूछा जाएगा। और जो बच्चे दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, फिर से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, हो सकता है कि उनके लिए एक बड़ी मदद भी सरकार करे। बच्चों की पढ़ाई छोड़ने का रिकॉर्ड कि किन किन बच्चों ने कब कब पढ़ाई छोड़ी है, क्यों पढ़ाई छोड़ी है, और इसके लिए जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सभी 11 सीटों पर मतदान हो चुके हैं और अब सभी का 4 जून को इंतजार है जब मतगणना होगी। और इस बार प्रदेश के 6 नए जिलों में पहली बार काउंटिंग होगी। सभी जिलों में जो भी विधानसभा आते हैं वहां मतगणना होगी और काउंटिंग पूरी होने के बाद एआरओ लोकसभा का रिजल्ट घोषित करेगा। प्रदेश के खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, भरतपुर, चिरमिरी, सुनहत, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और गौरेला पिंडरा मरवाही में पहली बार लोकसभा की मतगणना होगी। बने हैं पिछले 5 सालों में उनमें पहली बार लोकसभा के काउंटिंग हो जाएगी। विभिन्न जो आरओज है, विभिन्न जो हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के आरओ है, उसमें बहुत सारे 2 या 3 एवरेज जिले आते रहते हैं, तो विधानसभा को मूल मानते हुए सभी काउंटिंग हो जाती है। फिर विधानसभा वार जो काउंटिंग की गई है उसको जो आरओ है उनके जगह पे उनके यहाँ भेजा जाता है। कवर्धा में 2 विधानसभा है तो उनका विधानसभा वाइज वहाँ पे काउंटिंग होगा।
और बिलासपुर से खबर है जहां सिम्स मेडिकल कॉलेज पर जुर्माना लगाया गया। नेशनल मेडिकल कमीशन ने ठोका है जुर्माना। सिम्स पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। फैकल्टी जरूरी संसाधनों की कमी पर कार्रवाई की गई। 2 महीने के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। अनदेखी पर मान्यता रद्द करने की भी चेतावनी दे दी गई है।